Hello to you all, my name is Raj Yadav and I am your English teacher. So today our topic is adverb. In Hindi, adverb को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, और जो adverb होता है उसे हम देखते हैं. What is adverb? An adverb is a word that tells about more. A verb indicating when and where and how an action occurred. जो adverb होता है वो बताता है कि verb को कैसे, कहाँ पे, कैसे action किया जा रहा है. एन एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव को, वर्ब को, खुद एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को और कंजक्शन को मॉडिफाई करता है. देखते हैं, लेट अस सी वन बाय वन. एन एडजेक्टिव जो एक एडवर्ब होता है वो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है. दिस इज वेरी गुड. हियर गुड इज एन एडजेक्टिव. गुड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले वेरी आ गया, यानी गुड को भी मॉडिफाई कर दिया. दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा. दिस इज गुड, ये अच्छा है. तो हियर गुड वर्क एज एडजेक्टिव. यहाँ पे जो गुड है एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और इसी एडजेक्टिव को हमने ये कह दिया कि ये बहुत अच्छा है. तो यहाँ पे जो वेरी है वो एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है. लेट अस मूव सेकंड पॉइंट. अ वर्ब एक एडवर्ब होता है, सॉरी एडवर्ब जो है एक वर्ब को भी मॉडिफाई करता है. ही फाउट ब्रेवली, ठीक है, वह लड़ा बहुत बहादुरता से. तो जो वर्ब है फाउट, कैसे लड़ा वो, तो ब्रेवली, बहुत ज़्यादा ब्रेवली. तो यहाँ पे वर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया, वर्ब को भी बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेवली लड़ा था. आगे एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट ऑल्सो मॉडिफाइज इट सेल्फ. एक एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो खुद को भी मॉडिफाई करता है. लेट अस सी, ही फाउट वेरी ब्रेवली. तो हेयर ब्रेवली इज अ एडवर्ब और ब्रेवली को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी बहुत ज़्यादा ब्रेवली, ठीक है. तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. आगे अब प्रपोजिशन, एक एडवर्ब जो है वो प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है. ये देखिए एडवर्ब है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली के बाद ये प्रपोजिशन आ गया. आगे कंजक्शन, कंजक्शन को भी मॉडिफाई करता है. जैसे ही फेल्ड सिंपली बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज एक कंजक्शन है और कंजक्शन को मॉडिफाई कर दिया सिंपली ने. अब जनरली देखते हैं कि हम कभी भी हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब, हम एडवर्ब को कैसे रिकॉग्नाइज करें. तो जनरल केसेस में क्या होता है कि वे सारे के सारे वर्ड्स जो एल वाई जिनके लास्ट में होती है वो एडवर्ब होते हैं. जैसे और एडजेक्टिव में कभी भी एल वाई लगाएंगे तो वो एक एडवर्ब बन जाएगा. लेट अस सी, जनरल प्लस एल वाई, जनरल एक एडजेक्टिव है और उसमें जो हमने एल वाई को जोड़ दिया तो हो गया जनरली. एक्चुअल एक एडजेक्टिव है और एक्चुअल में हमने एल वाई जोड़ दिया तो ये हो गया एक्चुअली. क्लियर एक एडजेक्टिव है और क्लियर में हमने जब भी एल वाई जोड़ दिया तो ये हो गया क्लियरली. सी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब. एंड फर्स्ट वन इज, लेट अस सी वन बाय वन. एंड फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब, देयर आर एट टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब. इन एट टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो एडवर्ब टाइम को इंडिकेट करते हैं, जो वर्ड टाइम को इंडिकेट करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं. जैसे द एडवर्ब विच एक्सप्रेस टाइम, जो एडवर्ब टाइम को एक्सप्रेस करे. और इसका पता हमें जब चलता है जब हम वैन से क्वेश्चन करते हैं कब, और जो आंसर आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे, लेट, सून, रिसेंटली, आफ्टर, बिफोर, इमीडिएटली. ये बात, ये जितने भी वर्ड हैं, ये जो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं. लेट अस सी एग्जांपल, ही शो मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा, ठीक है. तो जो टाइम बता रहा है कब देखा, कल देखा. तो यहाँ पे ऐसे करके हम पता कर लेते हैं कि ये हो गया सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम. लेट अस मूव सेकंड, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है. तो कब देखा है, पहले देखा है. तो वैन से जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर मिलेगा. यहाँ पे बिफोर जो हो गया वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया.
लेट अस मूव ऑन सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होता है एडवर्ब जो किसी प्लेस के बारे में इंडिकेट करे. और जब भी हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर में मिलेगा. लेट अस सी द एडवर्ब विच एक्सप्रेस प्लेस. जो एडवर्ब है वो प्लेस को एक्सप्रेस करेगा. हेयर यहाँ देयर वहाँ कहीं ना कहीं ये प्लेस को ही बता रहे हैं. अप विद इन इन आउट अवे एवरीवेयर समवेयर एबव इनसाइड और आउटसाइड. ये जो सारे के सारे वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं प्लेस को ही इंडिकेट कर रहे हैं. जैसे ही वॉज सिटिंग हेयर वह यहाँ बैठा था. ठीक है तो यहाँ पे जो हेयर है कहाँ तो आंसर में आया यहाँ तो हेयर. तो यहाँ पे जो हेयर जो हो गया वो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. सेकंड प्लीज कम इन अंदर आइए तो कहाँ आइए अंदर. तो यहाँ पे जो इन हो गया ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. ठीक है तो जब भी हम वेन से क्वेश्चन करेंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा और जब भी हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा. ठीक है लेट अस मूव ऑन अवर थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. द एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज शोज द मैनर ऑफ अ वर्क. जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमेशा ये दिखाता है कि जो वर्क है वो कैसे हुआ है. जनरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो क्या होता है जनरली ज़्यादातर एलवाई लगाने से जितने भी एडवर्ब बनते हैं वो मोस्ट ऑफ इसी में आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में. लेट अस ये देख लेते हैं. द एडवर्ब विच शोज द मैनर ऑफ अ वर्क ये फास्ट हार्ड ये आपको याद करने फिर स्लोली ब्रेवली फूलिशली बैडली क्लियरली शो और वेल. ठीक है तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं. लेट अस सी एग्जांपल ही स्पोक क्लियरली. तो ही स्पोक क्लियरली जब व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड एडवर्ब ऑफ मैनर तब हम उसे हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा. ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है ही स्पोक क्लियरली. हाउ ही स्पोक तो क्लियरली तो जो यहाँ पे क्लियरली हो गया तो क्लियरली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है क्लियरली एक एडवर्ब हो गया. एडवर्ब कौन सा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है जब भी हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा. ही एंटर्ड स्माइलिंगली. ठीक है तो उसने मुस्कराते हुए एंट्री की तो स्माइलिंगली तो ये वाला जो हो गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. ठीक है लेट अस मूव ऑन अवर नेक्स्ट दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर. वो सारे के सारे एडवर्ब जो नंबर को डिनोट करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं. लेट अस सी द एडवर्ब विच एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी और नंबर. जो फ्रीक्वेंसी और नंबर जब भी हम हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी या फिर जो नंबर होता है उसका पता चलता है. हाउ ऑफन मतलब कितनी बार 1 2 3 कभी 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 नहीं तो ऐसे करके जो आते हैं ये देखिए द एडवर्ब विच एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर. हाउ ऑफन से हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो आते हैं लेट अस सी वंस ट्वाइस ऑलवेज सेल्डम नेवर एटसेट्रा. ये तो हमने कुछ ले लिए एग्जाम्पल बाकी बहुत सारे होते हैं. आगे देखिए आई हैव मेट हिम ट्वाइस. हाउ ऑफन कितनी बार मैं उससे मिला हूँ तो मैं उससे 2 बार मिला हूँ ट्वाइस. तो हियर ट्वाइस इज अ वर्क एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ नंबर. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ. हाउ ऑफन कितनी बार ऑलवेज. तो हियर ऑलवेज वर्क एज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लेट अस मूव ऑन अवर नेक्स्ट दैट इज एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी. द एडवर्ब विच शो द क्वान्टिटी जो एडवर्ब क्वांटिटी दिखाता है उसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे और जब भी हाउ मच से हम क्वेश्चन करते हैं तो जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है वो निकल के आती है. जैसे टू वेरी क्वाइट एनफ रेदर फेयरली और एंटायरली ये क्वांटिटी बताने वाले कुछ वर्ड हैं. देखते हैं यू आर क्वाइट रॉन्ग तुम बिल्कुल गलत हो. तो यहाँ पे हाउ मच कितने गलत हो बिल्कुल गलत हो.
His grandfather is entirely deaf. उसके जो grandfather हैं वो बिल्कुल बहरी हैं. तो कितने बहरी हैं? बिल्कुल बहरी हैं, पूरे बहरी हैं. So entirely here work as a adverb of quantity. Our sixth type of adverb is adverb of reason. The adverb which shows the reason. Adverb of reason क्या होता है? कि वो adverb होता है जो हमें reason को show करे. The adverb which express the sense of reason. इसका हम पता करने के लिए why से question करते हैं और जो answer आता है वो adverb of reason होता है. Let us see. So ends on account of or therefore. Let us see example. The office was closed on account of rain. जो office है वो rain की वजह से close है. तो क्यों close है? Rain की वजह से. तो यहाँ पे on account of, यहाँ पे work as a adverb of reason. Let us see. Next, that is adverb of affirmation. Adverb of affirmation जो होता है वो certainly, surely किसी काम को किए जाने के चांस को शो करता है. The adverb which express the sense of affirmation, certainly, निश्चित, definitely, surely और yes, ये जहाँ भी यूज हो जाते हैं तो adverb of affirmation का यूज करते हैं. Let us see example. I shall certainly finish the work tomorrow. मैं कल तक अपना काम कर लूँगा, निश्चित कर लूँगा. तो यहाँ पे जो certainly है, निश्चित, वो adverb of affirmation हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है adverb of affirmation के लिए. आगे next, adverb of negation. ये इसका opposite होता है. Adverb of negation, the adverb which express the sense of negation. तो negation का sense करता है. No, not, never और not at all, ये जो word होते हैं ये adverb of affirmation, adverb of negation का रोल करते हैं. जैसे I have never seen you, मैंने आपको कभी नहीं देखा है. तो in the sentence the word never used as a adverb of negation. Second type of adverb is interrogative adverb. There are six kinds of interrogative adverb. Interrogative adverb जो है वो six types के होते हैं. Let us see. First one is interrogative adverb of time. ये सारे के सारे adverb जो interrogation दिखाते हों time के, जिनसे हम time का पता चेक करते हों. Let us see. When and how long. ये जो when and how long, ये दो जो interrogative adverb of time के उससे जाने जाते हैं, जहाँ भी ये यूज होते हैं वहाँ पे ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं. लेट अस सी. व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब लौटोगे. तो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव जो पूछने का कार्य कर रहा है टाइम को वो है व्हेन. तो हियर व्हेन वर्क एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकंड, हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर, वो यहाँ कब तक रुकेगी, कब तक, कहीं ना कहीं टाइम को शो कर रहा है. तो जहाँ पे ये टाइम को शो कर रहा है तो हाउ लॉन्ग वर्क हेयर एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम. लेट अस मूव. सेकंड, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस. वेयर इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस. लेट अस सी. वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो. इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहाँ. तो हेयर वेयर वर्क एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये आपको याद करने होंगे. ये हो गया वेयर. सेकंड, वेयर इज अ न्यू मॉल बीइंग बिल्ट, जो नया मॉल है वो कहाँ बनाया जा रहा है. तो इन दिस एग्जाम्पल वेयर वर्क एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस. लेट अस मूव ऑन अवर थर्ड, दैट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर. हाउ मैनी, हाउ ऑफन एंड हाउ मैनी टाइम्स आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर. लेट अस सी एग्जाम्पल. हाउ मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, हाउ मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर. तो हेयर हाउ मैनी, सपोज यू आस्क मी हाउ मैनी गर्ल्स आर प्रेजेंट देयर. I said there are 25 girls present there. तो यहाँ पे जो how many है वो कहीं ना कहीं number को पूछने का कार्य कर रहा है. तो here जो how many work as an interrogative adverb of number. Second, how many times does he sing?
हाउ मैनी टाइम्स डज ही सिंग, उसने कितनी बार गाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो उसकी नंबर को पता करना चाह रहा है कि कितनी बार उसने गाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ मैनी टाइम्स है, सॉरी हाउ मैनी यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। लेट अस मूव ऑन फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द वर्क इज डन, दैट इज हाउ इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी काम को कैसे किया जा रहा है उसे पूछने के लिए जो हाउ का यूज करते हैं वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। जैसे हाउ डिड यू मैनेज इट, तुमने इसे कैसे मैनेज किया, हाउ। तो यहाँ पे हाउ इज वर्क एज ए इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो। तो यहाँ पे हाउ जो है वो मैनर को पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। हेयर हाउ इज अ वर्क एज ए इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी उससे पता चलता है जिससे हम कभी भी हाउ मच एंड हाउ फॉर, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी। हाउ मच और हाउ फॉर को हम इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कहते हैं, आपको याद रखना है। लेट अस सी एग्जाम्पल, हाउ फार द रिपोर्ट ट्रू, यानी हाउ फार द रिपोर्ट ट्रू इन द सेंटेंस, हिंदी मीनिंग इसका ये कहाँ तक रिपोर्ट सही है, ठीक है। ऐसे होता है ना, कहाँ तक बात मानी जाए। जैसे यहाँ पे हाउ फार द रिपोर्ट ट्रू, यानी रिपोर्ट जो है वो कहाँ तक ठीक है। तो हेयर हाउ फार वर्क एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। लेट अस मूव ऑन सेकंड, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के लिए उसने कितना पे किया है, ठीक है, कितना। तो हेयर हाउ मच वर्क एज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। लेट अस मूव ऑन सिक्स पॉइंट, दैट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन उसे कहते हैं सिर्फ वाय को, वाय से हमें पता चलता है कि व्हाट इज अ रीजन, ठीक है। लेट अस सी वाय एंड वेयरफॉर आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। वाय एंड वेयरफॉर को हम इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। अब वाय भी याद रख लेंगे तो भी चलेगा। लेट अस सी why are you late, आप क्यों लेट हैं। तो here why work as a interrogative adverb of reason। let's move on second example, wherefore the child weep, so here wherefore work as a interrogative adverb of reason। clear हो रहा, interrogative adverb हमारे अब खत्म हो गए। first of all हमने पढ़ा था simple एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब जो थे वो 8 टाइप्स के थे, हमने एक एक करके सभी का स्टडी किया। उसके बाद हम आगे इंटरोगेटिव एडवर्ब पे, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हमारे 6 टाइप के थे, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। कभी भी हाउ मच एंड हाउ फॉर यूज होगा, ठीक है, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी के लिए यूज होगा। और कभी वाई एंड वेयर फॉर यूज होगा तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए यूज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ। लेट अस मूव ऑन अवर थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, व्हेन द इंटरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू जॉइन द टू सेंटेंस। यानी अब तक आपने जितने भी इंटरोगेटिव पढ़े थे, जैसे वाई, वेयर फॉर, हाउ मच, हाउ फॉर, वाई, ऐसे करके ये जितने भी हैं, ये जब कभी सेंटेंस के मिड में लग जाएं और ये दो सेंटेंसों को ज्वाइन करें तो वहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होता है। लेट अस सी, देखिए अच्छी तरीके से समझते हैं एग्जांपल से। आई नो द टाइम एक सेंटेंस हो गया, आई नो द टाइम यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। द ट्रेन कम्स, ठीक है, रेलगाड़ी आती है। आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूँ, रेलगाड़ी आती है। तो ये जो सेंटेंस है ये देखने में कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लग रहा है, तो इसे पूरा करने के लिए हमने एक रिलेटिव एडवर्ब का यूज कर दिया। आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन कम्स, मैं उस समय के लिए जानता हूँ या फिर मुझे पता है ट्रेन कब आती है। तो हियर व्हेन एक ये सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है और एक ये सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है। जब ये दो सेंटेंस ज्वाइन करता है तो ये रिलेटिव एडवर्ब का कार्य करता है, ठीक है। लेट अस मूव सेकंड, प्लीज टेल मी द रीजन वाई द टीचर पनिश्ड मी। प्लीज टेल मी द रीजन
here that is one sentence, please tell me reason, मुझे कारण बताइए. एक सेंटेंस, the teacher punished me, टीचर ने मुझे पनिश किया. तो here two sentences are joined by the why, ठीक है. तो यहाँ पे जो why है ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है और यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है. अब आपको एक और हिंट कि जब भी दो सेंटेंस जुड़ रहे हो बीच में कोई भी इंटरोगेटिव एडवर्ब हो, जैसे यहाँ पे when है, when किसको इंडिकेट करता है टाइम को, ठीक है. why किसको इंडिकेट करता है रीजन को, ऐसे ही करके अगर दे रखे हो तो आप पहचान जाएंगे. अब आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव क्या पूरे ही एडवर्ब में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. सो